नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएम भारत न्यूज। 211 मुकदमों में 211 अभियुक्तों को कोर्ट ने कराई सजा। वीडियो वायरल करने के साथ माफिया, गुंडों, लुटेरों, हत्यारों, हिस्ट्री शीटर को कराई गई सजा। वर्ष 1999 से पूर्व के मामलों में 22 मुलजिमों को कराई गई कोर्ट से सजा। एसएसपी के मुताबिक पुलिस की सतत पैरवी के मद्देनजर 211 मुलजिमों को सजा दिलाना हुआ मुमकिन। बुलंदशहर पुलिस ने प्रेस से साझा किया ऑपरेशन कन्वेंशन का डाटा। बुलंदशहर से जोगेंद्र लोधी की खास रिपोर्ट। 221 लोग के ऊपर जो मुकदमा कायम किया गया है प्रतिबंधित किया जाने का, क्या पूरा प्रक्रिया? ये जनपद बुलंदशहर पुलिस के द्वारा इस वर्ष 2023 में जो 11 महीने गुजर गए हैं, इसमें कुल 211 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में उनको बुक किया गया है। 211 लोगों को सजा दिलवाई गई है जो किसी न किसी तरीके से अवैध असलाह रखते हैं। इसमें कुछ हिस्ट्री सीटर्स हैं, 211 में करीब 24 हिस्ट्री सीटर्स हैं, और कुछ लोग जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो वायरल करते हुए दिख जाते हैं अवैध असलाह के साथ, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अन्य जो माध्यम हैं उनके तरीके से पाए गए हैं। और इसमें एक ये भी अवगत कराना है कि इसमें कुल 21 लोगों को ऐसी सज़ा दिलवाई गई है कि जो एक साल के अंदर जल्दी से जो चार्ज शीट और चार्ज फ्रेमिंग होती है कोर्ट में, फिर गवाही होती है, उसके बाद जल्दी जल्दी करते हुए पुलिस की प्रभावी पैरवी के माध्यम से एक साल के अंदर 21 लोगों को सज़ा दिलवाई गई है। कुछ में ज़्यादा समय लगा है। और इसमें एक चीज़ ये भी बताना है कि जो कई मामले ऐसे हैं कि जिसमें 90-92 के भी मामले हैं, सन 1990 और 1992 के, तो कोई इससे ये ना समझे कि बहुत पुराना मैटर हो गया तो वो छूट ही जाता है और बच ही जाता है। और ये बुलंदशहर पुलिस का एसएसपी साहब के नेतृत्व में प्रयास है कि जो तमंचा कल्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए और लोग समाज में जो निडर तरीके से, निर्भय निर्भीक तरीके से लोग रह सकें, और जो लोग इस तरह से कानून का उल्लंघन करते हैं, अवैध असलहे का काम करते हैं, अवैध असलहों का प्रदर्शन करते हैं या अवैध असलहे अपने कब्जे में रखते हैं, इनको किसी भी तरीके से प्रभावी पैरवी करके इनको इनका जो स्थान है जेल में वहाँ भेजा जाएगा और ये समाज की मुख्य धारा में नहीं रहेंगे। और जैसा कि आप अवगत हैं कि इन सब चीज़ों से आदमी न तो चुनाव लड़ सकता है, न तो पासपोर्ट उसका बन सकता है, न सरकारी ठेके का, न ठेके का लाइसेंस आदि बन सकता है, न ही विदेश जा सकता है, और न ही सरकारी नौकरी पा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो, और ख़ासकर ये प्रवृत्ति युवाओं में पाई जाती है, तो उन सबको ये समझना चाहिए कि ये बहुत कठोर अपराध है, उसमें कठोर सज़ा मिलती है। और 11 प्रकरण इन 211 में ऐसे आए हुए हैं जो जिसमें मैक्सिमम सज़ा दिलवाई गई है।